नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्राप्ति चौधरी है। हमारे और मैं अनुषा खारी। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज दिवाली है। हम अपने सभी दर्शकों को अपनी पूरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्राप्ति, पता है आज आज का दिन एक और कारण के लिए स्पेशल है। वो क्या है? अरे सोचो सोचो। हाँ, सैटरडे है और आज स्कूल की छुट्टी है। हाँ, अरे भूल गई क्या, आज बाल दिवस है, यानी हम बच्चों का दिन। अरे हाँ, चलो अब मुद्दे पर आते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के लिए लेकर आए हैं गुर्जर छात्र समिति की एक और पहल, एक ऑनलाइन कार्यक्रम जो बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अनोखा ऑनलाइन कार्यक्रम है। जी हाँ, जिसका नाम है बाल चौपाल। यह कार्यक्रम बच्चों के लिए अपना टैलेंट को प्रस्तुत करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें स्पेशल गेस्ट भी बच्चे होंगे, पार्टिसिपेंट्स भी बच्चे और संचालन भी हम बच्चे ही होंगे। जो बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं जो कमेंट में दिया हुआ है। कार्यक्रम के एक भाग में इस कार्यक्रम में हमारी अतिथि से बातचीत तो होगी, लेकिन हमारे पास और इतने सारे गेम्स हैं, जैसे देसी टंग ट्विस्टर और गुजरी पिक्शनरी। कार्यक्रम के एक भाग में हम टीनेजर्स बच्चों के लिए एक्सपर्ट एडवाइस भी रखेंगे, जिसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमारे कुछ सवालों का जवाब भी देंगे। और आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइस हैं यूके से प्रचलित डॉक्टर रेनू जेनर जी, MBBS MRCPCH लंदन, FRCPCH PGDIP चाइल्ड हेल्थ। हमारे इस कार्यक्रम बाल चौपाल के पहले संस्करण में विशिष्ट अतिथि होंगे बॉलीवुड और टीवी सीरियल के बाल कलाकार दर्शन गुर्जर, जिन्होंने बॉलीवुड में आगाज किया गुंडे फिल्म में रणवीर सिंह के बचपन के रोल से, और अब तक कई फिल्में और कई टीवी सीरियल्स के साथ साथ कई कमर्शियल भी कर चुके हैं। इससे पहले उन्हें हम इनवाइट करें, हमने हमारी पूरी टीम ने एक तैयार करा है उनके लिए इंट्रो वीडियो, तो कंप्यूटर जी चलाइए। इस एपिसोड में है एक उभरता हुआ सितारा जो एक्टर, डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट और पब्लिक स्पीकर है दर्शन गुर्जर। दर्शन गुर्जर इज एन इंडियन फिल्म एंड टीवी एक्टर वर्किंग इन बॉलीवुड फिल्म्स एंड इंडियन टीवी सीरियल्स। ही हैज़ वर्कड इन मोर देन 5 फिल्म्स, 17 टीवी सीरियल्स एंड अराउंड 10 कमर्शियल फिल्म्स। दर्शन स्टार्टेड हिज फिल्म करियर इन 2012 विद गुंडे। He played the character of Vikram as young Ranveer Singh. After that, got chances to work in several films such as Ishq Junoon, Tennis Buddies, Paper Boats, etc. Darshan mainly worked in Indian television daily soaps. He came into the limelight with the Colors TV show Udaan as Suraj. He also worked in shows such as Devan Ki Dev Mahadev as Kartikeya, several time in episodic shows such as Kumrah, CID, Crime Patrol, Savdhan India, Fear Files, Code Red, etc.
probably. अब हम इनवाइट करते हैं दर्शन गुर्जर को। हेलो एवरीवन, हाय अनुषा, वेयर इज प्राप्ति? दर्शन भैया आपका हेलो, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम बाल चौपाल में। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम सभी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम में आकर। मैं एक्चुअली बोलने वाला था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया मेरे लिए, इतना प्यारा था सीरियसली। और जो इंट्रोडक्शन तुम दोनों ने दिया है, हैट्स ऑफ, अमेजिंग। और बाकी सभी लोगों को जो ज्वाइन हो रहे हैं, और जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ पे बुलाया है, ये बच्चे लोग ही मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उन लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे और हैप्पी दिवाली, और गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। ऑल राइट, हाँ, तो पहला सवाल कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, और फिर बताइए। ऑल राइट, मैं कहाँ से हूँ और मैं कहाँ रह रहा हूँ। मैं हूँ मुंबई से, और मैं मुंबई में ही रह रहा हूँ। बट बेसिकली जो हमारी फैमिली का ओरिजिन है वो गुजरात है, और इसीलिए हम लोग बेसिकली गुजरात से हैं, और यही है। मेरे स्कूल के बारे में आपको बता सकता हूँ, मैं फादर अग्निलो हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, जो यहीं पर है मुंबई में। और बाकी कई सारे मैंने जो मूवीज वगैरह किए थे, उसमें मैंने दूसरे कई सारे कल्चर्स को एक साथ देखा है इंडिया के, जैसे फिर हरियाणा हो, फरीदाबाद हो, या फिर गौतम बुद्ध नगर के साइड हो, और इस साइड जयपुर हो। हमारा हिंदुस्तान हैज अ ब्रिलियंट कल्चर्स, इतने सारे हैं, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, आपका तो मूवीज नेटिव पे आ ही राजस्थान से चुके भी है हैं क्या? जी। यस यस, मेरे मेरा नेटिव राजस्थान से भी है, और जैसे कि मेरा सरनेम है गुर्जर, तो ऑब्वियसली उस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं। जी, तो आप मूवीज पे आ ही चुके हैं, तो आपको अपनी पहली मूवी कैसे और कब मिली थी? मुझे फर्स्ट मूवी मिली थी 2014 में, और बहुत एक्साइटेड था मैं, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा हो जाएगा। 2014 में वो रिलीज हुई, सॉरी 2012 में मुझको गुंडे मूवी मिला था, और उसके पहले हम लोगों ने मतलब मैंने 30 ऑडिशंस दिए थे अलग अलग जा जा जाके यशराज फिल्म्स में, और उससे पहले सिर्फ सीरियल्स वगैरह किए थे। तो अच्छा लगता है ना कि मतलब हमेशा से एक ख्वाब था कि कब मूवी मिलेगी, कब मूवी मिलेगी, और फाइनली इतने ऑडिशंस देने के बाद। जी, आपको क्या और पूछिए। चैलेंजेस आया बॉलीवुड में? चैलेंजेस बॉलीवुड में वैसे तो होते ही हैं, सब फील्ड्स में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं, पर वो हम सबके ऊपर है कि हम कैसे उन सब चीजों को हैंडल करते हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग एंकरिंग करते हैं, और आप लोगों को भी कई सारे चैलेंजेस तो आते ही होंगे, और आप लोग उस चीज को ओवरकम करते हैं और कुछ नया सीखते हैं, राइट? तो बिल्कुल वैसे मैंने भी वही वही किया है स्टार्टिंग से। और जब भी स्टार्टिंग में आया था, तभी कैमरा फेस करने में भी डर लगता था, और ऐसा लगता था कि अभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि मतलब मुझे बहुत डांट पड़े डायरेक्टर से, ऐसा भी होता था। बट धीरे धीरे वो करते करते, वो डायलॉग है ना मिर्जापुर से, कि शुरुआत ऐसे किए थे बट अब मजा आने लगा है, तो वैसा ही हो गया। थैंक यू सो मच दिनेश, गॉड ब्लेस यू, और आप सब लोग जो भी कमेंट्स डाल रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आपकी बिगेस्ट सक्सेस और आपका बिगेस्ट फेलियर क्या है? बिगेस्ट सक्सेस और बिगेस्ट फेलियर, बिगेस्ट सक्सेस और बिगेस्ट फेलियर। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो सक्सेस में जो भी एक नया मोमेंट एक अच्छा होता है लाइफ में, अगर समझिए कि मैंने एक अच्छा इलस्ट्रेशन कल ही बनाया था, मेरे
मिठेबाई कॉलेज में जो मैंने असाइनमेंट बनाया था, तो मैंने कल एक बहुत ही बेहतरीन इलस्ट्रेशन बनाया था, तो वो उस मोमेंट के लिए बहुत सबसे अच्छा सक्सेस था। और बाकी अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऑब्वियसली गुंडे है, गुंडे मूवी एक अलग ही बेस बना दिया था उसने करियर में, और यही है। और बिगेस्ट फेलियर ऐसा कुछ नहीं लगता मुझको, बिकॉज आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो क्या क्या ही हो सकता है फेलियर। आपने अपना लॉकडाउन कैसे स्पेंड करा? अरे बाप रे, ये आपने बड़ा ही पेचीदा। म्यूट हो आप। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया था और दरवाजा भी खुल गया था, और हमारे आसपास बच्चे लोग इतना मस्ती करते रहते हैं और घर हमारा पूरे टाइम खुला ही रहता है, तो कोई भी आता है मस्ती करता है, तो मैं सोचा कि ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर ना आ जाए, तो मैंने सब बंद कर दिया। ऑल राइट, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन स्टार्टिंग में, लॉकडाउन ने बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट किया था, क्योंकि दोस्तों से नहीं मिल पा रहा था और काम भी नहीं हो पा रहा था कि काम कैसे होगा। लेक्चर्स जो आप लोग बाल चौपाल में, आप लोग ओपन एयर में स्टडी करते हो, तो वो एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलता है आप लोगों को, राइट? तो वैसे ही मुझको भी वैसे ही अच्छा लगता है, तो दोस्तों से ना मिल पाना और फिर बाहर ना जाना, और ऊपर से मीडिया से इतना प्रेशर था कि कोरोना है, ये है, वो है, आखिर आखिर वो एक्चुअली सच भी है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स वगैरह भी हो रहे थे, तो बहुत बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट नहीं था वो लॉकडाउन के स्टार्टिंग में। एंड अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा लॉकडाउन खुल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अभी थोड़ा यूज्ड टू हो गए हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन चीजें होने लगा है और आप लोग भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए हो, एंड लेक्चर्स भी होता है, ऑनलाइन होता है, तो कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं बस। और तो एक और चीज है कि हमारा जो स्टाइल है ऑडिशंस का, वो थोड़ा चेंज हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में। अब हम लोग खुद ही सेल्फ टेस्ट निकाल के भेज देते हैं, तो जाने का टेंशन ही नहीं, बट वो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है फोन पे, लेकिन सब ठीक है, पर सब बढ़िया है। आपने क्रेजीएस्ट चीज क्या करी है? क्रेजीएस्ट चीज, बाल चौपाल पे आना ये आज की क्रेजीएस्ट थिंग होगी। और बाकी देखा जाए तो काफी अलग अलग मोमेंट्स आए थे लाइफ में, जैसे गुंडे के टाइम पे फर्स्ट टाइम मुझको हार्नेस का ट्रेनिंग मिला था, और मुझको उस टाइम डर लगता था, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था ना। हार्नेस जो होता है वो तुमको वो हार्नेस पहनाया जाता है ताकि वो जो स्टंट्स वगैरह करने होते हैं, राइट, तो क्रेन से उठा के वो एक्शन सीक्वेंसेस उतारने के लिए, या तो वो करने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग में पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ा था, लेकिन वो अलग ही था मोमेंट। और वो फिर एक्सप्रेशंस भी बराबर देना कैमरा के सामने, कि मतलब फुल गुंडे टाइप लगना चाहिए, राइट? एक वो था, और बाकी कई सारे क्रेजी मोमेंट्स है लाइफ में, दोस्तों के साथ है और फैमिली के साथ है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स ही होते हैं जब तुम किसी से बात कर रहे हो और कुछ ऐसा टॉपिक निकल जाता है कि वो ही लगता है कि हाँ यार, ये बंदे ने जो बोला वो सबसे ज्यादा क्रेजी था। तो मेरे काफी सारे ऐसे क्रेजी फ्रेंड्स हैं जो नेक्स्ट लेवल ही है। हेलो, हाँ जी, तो आई थिंक बहुत हो गए सवाल जवाब। अब हम थोड़े गेम्स पर आते हैं। तो जी अब बिल्कुल। अनुष एक्सप्लेन करेगी हम क्या क्या खेलेंगे। हैप्पी ठीक दिवाली सुमित जी। हमारे पास देसी टंग ट्विस्टर्स है और गुजरी पिक्शनरी। तो होप वाओ, करते हैं कि आप लोग अपने गुजरी वर्ड्स आते होंगे
और हम शौर्य और हर्ष को बुलाते हैं। शौर्य हर्ष स्ट्रीम पर आ जाओ। हेलो एवरीवन। हेलो। वो वेलकम शौर्य एंड हर्ष। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बोलो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बड़ा धमाका मैं हूँ। शौर्य बारे में बताओ। आप क्या बोल रहे हो? अपना इंट्रो दो दर्शकों को। आई एम हर्षवर्धन खारी। बेसिकली मैं हर्षवर्धन खारी हूँ। मैं अभी सेवेंथ क्लास में हूँ। बेसिकली अब मैं अपने फ्री टाइम में गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक मुझे सबसे ज्यादा चीज एक चीज पसंद है, गेम्स और साइकिलिंग। मैं साइकिल बहुत अच्छी तरीके से चलाता हूँ। बेसिकली मैं साइकिल रेस भी करी हुई है। बहुत टाइम पहले की थी, 1-2 महीना हो गया उस बात को। और मेरी हॉबीज है कि मैं वो हॉबीज तो आपको दो हॉबीज तो पता ही है, साइकिलिंग और गेम्स खेलना। मेरी दूसरी हॉबीज है, मैं अपनी मदर की हेल्प करवाने में बहुत अच्छा हूँ। मैं मदर की अपनी हेल्प बहुत करवाता हूँ। मुझे हेल्प करना पसंद है दूसरे लोगों की। और नाउ इसकी बारी भाई। हाँ, मैं तो अपना इंट्रो ऐसे ही दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। हम हैं किंग ऑफ वजीरपुर। हम नाम शौर्य वर्धन खारी। हमें चाहिए फुल इज्जत। यस यस एग्जैक्टली। हमको चाहिए फुल इज्जत। मैं फोर्थ में हूँ और मुझे भी साइकिलिंग करना पसंद है। बस मैंने इसे भी गेम्स खेलना पसंद है। इसे अच्छा इसका 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 सपना है, इसका वो सपना है कि बड़े हो गए टाइम मशीन बनाए, टाइम मशीन, और टाइम ट्रैवल करना है। और मैंने टाइम मशीन के बारे में मैं लिखा भी था, उसके बारे में लिख भी लिया था। फॉर्मूले लिखे हम दोनों ने। पूरे एक क्या पूरा एक बात है। पेज भर दिया था, लिखते लिखते एक पेज भर दिया था और सारी चीजें सही निकली थी। वाओ क्या बहुत बात है यार। अच्छा इंट्रो। और अब हम गेम शुरू करते हैं। तो हाँ खेला टंग ट्विस्टर। तो हम टंग ट्विस्टर्स देंगे और हर्ष, शौर्य और दर्शन भैया, आप तीनों के बीच में चैलेंज है। ऑलराइट। तो पहला टंग ट्विस्टर। आई स्लिट द शीट, द स्लिट द शीट आई स्लिट, एंड ऑन द स्लिटेड शीट आई सिट। वर्ड आपकी आवाज नहीं है, दोबारा से बोलना आप। आई स्लिट द शीट, द शीट आई स्लिट, एंड ऑन द स्लिटेड शीट आई सिट। आई गेस हर्ष से शुरू करता नो है। नो नहीं, दर्शन भैया हाँ। बड़ा धमाका कौन है यहाँ पर? यहाँ पर जो बड़ा धमाका है वही बड़ा धमाका पहले होगा। चलो नहीं 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 शौर्य भी नहीं, हर्ष हर्ष ही स्टार्ट करेगा। नो चलो हर्ष ऑल द बेस्ट। तूने फिर से सुनना है मुझे अनुषा, एक बार फिर से सुना दो हर्ष को। मैं लिख रही हूँ इसको। अच्छा और प्राप्ति और अनुषा भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें? नहीं, हम तो होस्ट है। तो चलो तब तक के लिए मैं नेक्स्ट दे देती हूँ आपको। ओके नो प्रॉब्लम। क्यों हाँ जी, तो नेक्स्ट है क्यों, क्या हो गया? हर्ष ने क्यों नहीं बोला? समझ ओके ओके समझ अनुषा ने समझ भेज के दिया, अनुषा वाला बोल दो। कोई नहीं, अनुषा ने ओके भेज ओके दिया, हाँ अनुषा वाला बोल दो। आइस ऑल राइट। आइस हाँ लेटर द सीड, आइस लेट बॉस लेटर। समझ समझ के समझ आई डोंट नो द आंसर बेसिकली। नो हंसी से प्रॉब्लम। थोड़ी देर में टंग ट्विस्टर है बोलने। हाँ